you know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बुलेट 350 के कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, आप लोग जैसे कि जानते हैं कोरोना वायरस वापस से बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, तो लॉकडाउन की स्थिति में करें भी क्या घर बैठ के। चले फिर आपका भी टाइम पास कराते हैं और ख़ुद भी टाइम पास करते हैं अपन। सो आप लोग ले सकते हैं, एक तो साइलेंसर चेंज करते हैं इसका, इंदौरी साइलेंसर अपने पास में रखा हुआ है इसका, जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले लगाया था मैंने, फिर आप इस स्टॉक लगवा लिया था। एक ये इसका पीछे का ही चेंज करते हैं, ये उदयपुर ट्रिप पे गया था जब मैं लगाया था 15-20 दिन पहले, तो इसको भी हटाते हैं और स्टॉक रखते हैं, खाली ये सीट रखते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी गाड़ी। एक इसको हटाते हैं और एक इसके मिरर हैं वो हटाते हैं, जो साइड मिरर्स हैं वो, उसके बिना भी कुछ दिन चलाते हैं गाड़ी, फिर वापस से स्टॉक कर लेंगे गाड़ी को। सो कुछ दिन इस तरह से चला तो सकते नहीं है, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन ही कर लेते हैं बैठ करके, थोड़ी अच्छी लगेगी गाड़ी और अपना टाइम पास भी हो जाएगा, आपको नॉलेज भी हो जाएगी किस तरह से क्या ये खुलेगा पूरा साइलेंसर, किस तरह से फिट होता है दूसरा, और मिरर किस तरह से खुलते हैं पीछे का, ये पूरा आपका किस तरह से ये ओपन होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो ये मिरर वगैरह भी पूरा हटा लेंगे अपन। सो कौन से क्या इसमें स्पैनर यूज़ होंगे, कितने नंबर के यूज़ होंगे पूरा बताएंगे आपको। देख सकते हैं आप लोग 6,227 किलोमीटर चली अभी टोटल गाड़ी, सेकंड सर्विस इसकी हो चुकी है 6,150 पे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका भी वीडियो बनाते हैं कि कितना क्या खर्चा आया था, क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं और गाड़ी में माइलेज में क्या इंप्रूव हुआ, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, सारी चीज़ें बातें करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। चलिए उसके नेक्स्ट वीडियो आपका इसका ही बनाते हैं, सेकेंड सर्विस में क्या इसकी कॉस्ट आई है। चलिए फिर अब इसको तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी का। तो कुछ इस तरह से लग रही है गाड़ी, पूरा देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, अब सीट कवर अपन ने एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है बाहर से, लेग गार्ड ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का, देन BS6 गाड़ी है पूरी जैसे कि आप लोग जानते हैं। और नवंबर 6 नवंबर को अपन ने परचेस की थी, 6 नवंबर 2020 को। सो करीब करीब 5 या 5.5 महीने में अपन ने 6,500 किलोमीटर इसको चला दिए, तो एक अच्छी खासी किलोमीटर अपन ने चला दिया इसको ड्राइव करके। तो अपन एक ओनरशिप रिव्यू भी लेके आएंगे उसके नेक्स्ट सर्विस वाले वीडियो के बाद में, तो कंटिन्यू वीडियो आने वाले हैं अब इस पे गाड़ी पे, तो बिल्कुल बने रहें। अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट करें तो शर्मा जी ब्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपसे वीडियो आते रहेंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं साइलेंसर खोलने के लिए, एक तो ये नट है इसको अपन लूज़ करेंगे, देन सेकेंडली ये देख सकते हैं आप लोग इसके नीचे की तरफ नट दिया हुआ है एक, इसको अपन लूज़ कर लेंगे और लूज़ करने के बाद में पीछे की तरफ खींचेगा। उसके पहले एक और नट है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो ये अपन को एक ये लूज़ करना है इसमें। तो ये तीन नट है, तीन नट खोल करके और पीछे की तरफ खींचेंगे तो साइलेंसर इसका बाहर आ जाएगा इजीली, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सो सबसे पहले तो अपन इसको ये खोलते हैं, इसको लूज़ कर लेते हैं, थोड़ा लूज़ करना है ताकि ये आगे की तरफ से पकड़े जो इसकी है वो थोड़ी लूज़ हो जाए और अपन पीछे की तरफ इसको खींच पाएँ। तो ये लूज़ करने के बाद में चलिए फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं और दूसरे नट को आपको दिखाते हैं। सेकेंड नट आप देखते हैं दोस्तों, अब इसकी बारी है, जो मैंने बताया था आपको बीच वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा उठ करके लूज़ कर लेना है इससे, और ये तो पूरा निकलेगा ही सरी बाहर, उसको नीचे वाले को अपन लूज़ कर सकते हैं और इसको पूरा निकालना पड़ेगा अपन को बाहर। उसके बाद में फिर तीसरा नट जो है इसका मैंने बताया था आपको, उसको अपन को निकालना है, उसके बाद में आप इसको आराम से खोल सकते हैं साइलेंसर को घर में ईजिली, कभी भी आपको खोलना हो तो। बाकी इसमें इंदौरी साइलेंसर फिट करते हैं जो अपन ने पहले परचेस किया था, एक बार पहले भी यूज़ किया हुआ है तो काफ़ी सही साउंड है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है, पर चलान है दोस्तों तो अपनी रिस्क पे ही चलाएं और देख करके ही चलाएं इसको, तो ज़्यादा यूज़ ना करें अगर आपकी सिटी में ऐसा कुछ है इशू। तो देख सकते हैं आप, एक चीज़ अपन यहाँ खोलने वाले थे इसको लूज़ कर लिया अपन ने दोनों को, अब तीसरा अपन ये लूज़ करने वाले थे, देख सकते हैं आप लोग क्या पॉपअप हुआ है। रॉयल एनफील्ड क्वालिटी बहुत ही हद तक ये देखिए बहुत ही ज़्यादा घटिया कर दी गई है BS6 में, ये देखिए ये पत्ती यहाँ से पूरी खुल चुकी है, अब नट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे कैसे ही बाहर आ जाएगा, मतलब यार क्या रॉयल एनफील्ड आजकल क्या बना रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है हिसाब किताब ही। BS6 में पूरी क्वालिटी इन्होंने डाउन कर दी है, अब साइलेंसर की पत्ती है 5 महीने में टूट गई है बताओ यार। ये देखो 6,227 किलोमीटर सारी चली है गाड़ी और ये साइलेंसर की इसमें पत्ती टूट गई, क्योंकि पतली पत्ती है और साइलेंसर का वेट काफ़ी भारी आता है, ओरिजिनल स्टॉक साइलेंसर जो आता है। चलिए अब कोई भी नहीं, अब मूड तो ऐसा ऑफ हो गया था, फिर भी चलिए साइलेंसर को तो हटाते हैं, अब दूसरा वाला साइलेंसर लगाते हैं क्योंकि उसमें तो फिट होएगा नहीं उस पत्ती में वो।
वो पैडल का जो हिस्सा रहता है उसमें फिट होएगा वो इंदौरी साइलेंसर। तो चलिए उसको तो करते हैं फिट और इसको देखते हैं क्लेम होता है कि नहीं होता है, वारंटी में क्लेम करेंगे। अगर हुआ तो ठीक अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको वेल्ड कराना पड़ेगा। बाकी यार बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी गिरा दी है रॉयल एनफील्ड ने, जो ऐसा नाम पहले था इस तरह से कोई भी काम नहीं है अब बिल्कुल भी। और चलिए फिर, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि 5 महीने में इसकी ये पत्ती टूट जाएगी बैंड होकर के अपना आप ही। अब ये चीज़ अपन ने खोल दी है पैडल, इसका पैडल खोलने के बाद ये इंदौरी साइलेंसर देख सकते हैं आप लोग, इसमें इसको अंदर की तरफ लगाना है और जो पैडल वाला हिस्सा है उसमें इसकी पत्ती इसमें अपन वापस से फिट कर देंगे। तो किस तरह से का प्रोसेस है पूरा देखिए आप, आसानी से घर पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये पैडल इसमें वापस फिट हो जाएगा नट में, और उसके बाद में आगे से वो नट कसाई में आ जाएगा। तो इसमें खाली 2 जगह कर टाइट होता है बस, ये ओरिजिनल साइलेंसर 3 जगह से टाइट होता है। तो एक यहाँ से इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद में फिर इसके जो नीचे की तरफ है वहाँ की तरफ से भी इसको प्रॉपरली अपन टाइट कर देंगे वापस से। चलिए फिर देखिए। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें प्रॉपर फिट हो चुका है, ये पूरा BS6 के लिए ही है, और दोनों तरफ अपन ने इसको टाइट कर दिया अच्छी तरीके से। तो एक बार ओवरऑल लुक देख लीजिए आप। तो सबसे पहले ये साइलेंसर देखिए आप, ये देखिए ये पत्ती है जो इसी के साथ में यहाँ से बैंड इसका टूट चुका है ये बेल्डिंग, और इधर दिखाता हूँ मैं अंदर की तरफ से आपको, ये देखिए यहाँ से टूटी है ये पत्ती अपना आप ही, मतलब कि टूट गई यार, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ी क्वालिटी तो इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, अब इसको खोलते हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ अपनी अभी जो हैंडल पकड़ने का है पीछे की तरफ बैकरेस्ट टाइप का, तो इसको खोलते हैं। ये टूरिंग पे गए थे अपन जब लगाया था अपन ने, तो इसमें भी खाली इसको लूज़ कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। इसको लूज़ करते ही ये चारों नट लूज़ होएंगे, 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से, तो इसको दोनों नट चारों नट को खोल करके उसके बाद में फिर इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे अपन, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा आपको। चलिए फिर देखिए आप पूरा प्रोसेस। तो अपन ने खींच के बड़ी मुश्किल से निकाल दिया है, थोड़ा बहुत देखना है इसमें सीट कवर भी डैमेज हो चुका है, तो इसको आराम से ही निकालना है, ये देखिए। तो चलिए अब इसमें नट लगा देंगे वापस से, चारों नट अपन वापस कस देंगे इसमें, और बाकी लुकिंग काफ़ी अच्छा नट लग गया है दोस्तों, देख सकते हैं एक बार लुक दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी है। अब बारी है इन मिरर्स की, तो मिरर्स भी जल्दी से निकालते हैं। तो इसको दोनों को अपन नट से यूज़ लूज़ कर लेंगे, उसके बाद में ये आसानी से हाथ से घूम करके निकल जाएंगे। एक बार लुक देखिए आप, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, और एक बार मिरर हटाने के बाद वो अच्छी लगेगी। साउंड वगैरह भी एंड में सुनाते हैं इसका, इंदौरी साउंड कैसा आ गया आ रहा है बताइएगा कमेंट करके, काफ़ी सही है साउंड भी इसका वैसे तो। चलिए फिर उसको खोलते हैं, तो सबसे पहले इसको लूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके हैंडल, और थोड़ा दम लगा के इसको लूज़ हो चुका है देख सकते हैं आप लोग। अब इसको अपन घुमा करके पूरा निकाल देंगे, वो वैसे ही के वैसे सेम ही प्रोसेस उस तरफ का है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला आपको। ये भी सारा सब कुछ बहुत ही ईजीली है, घर पे आप आराम से कर सकते हैं, कभी भी आपको लगाने हो या निकालने हो तो ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। तो इसको भी ज़रा सा दम लगेगा क्योंकि एक बार भी नहीं खोला है मैंने शुरू से, सो ये टाइट थे थोड़े से, इसको भी खोल लिया अपन। अब लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों इसकी, देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ गाड़ी के साथ में, फिर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों काफ़ी शानदार लुक दे रही है अब गाड़ी, अब लग रही है यार बढ़िया ओरिजिनल बुलेट, और पीछे पूरा सीट कवर पे लिखा हुआ है
लेग गार्ड तो ओरिजिनली लगवाया था अपन ने, बाकी कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और करेंगे इसमें टाइम टू टाइम आने पे, बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, घर पे तो इतना ही हो पाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, हज़ार लाइट स्विच वगैरह अपन ने तो जो पहले ही लगवा लिया था, इसको नहीं पता है वो बता देता हूँ मैं, चारों इंडिकेटर एक साथ के साथ में, एंड लेग गार्ड अपना लग रहा है। यहाँ पर यूट्यूब शर्मा जी ब्लॉग्स को मैंने यहाँ पर पूरा लगवा लिया था इसमें, और बाकी फिर तो नॉर्मल ही गाड़ी है। सीट कवर इसमें बाहर से लगवाया था, साइलेंसर इंदौरी लगवा दिया है, बैंड पाइप ओरिजिनल है इसमें BS6 का, और बाकी देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल कवर भी लिया था मैंने, तो वो भी इसका रिव्यू भी आपको दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में। चलिए भाई साउंड सुन लीजिए इसका दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको, और मेरे साथ साथ में आपका भी काफ़ी टाइम पास हो चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, अब इसके कुछ नेक्स्ट सर्विस का वीडियो बनाते हैं। चलिए इसका फिर नेक्स्ट सेकंड सर्विस में कितनी क्या कॉस्ट आई, उसके बाद में फिर एक इसका माइलेज का बनाएंगे कि माइलेज कितना क्या दे रही है ये। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।